हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज सुपर ट्रेंड के साथ बॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगा। और ये एक डेमो वीडियो है, इसको डेप्थ में इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो इसके ऊपर बाद में वीडियो डालूंगा। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने 5 स्टॉक तो वो ले रखे हैं सुपर ट्रेंड पे, वो बाय सेल लगा रखे जो आज सुबह मॉर्निंग में टॉप गेनर में थे और वो बाय डिफॉल्ट कमांड पे लगी सुपर ट्रेंड की। और एक स्टॉक जो टाटा मोटर है वो मैंने लगा रखा है छोटे से, इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फास्ट कर दी है मैंने और क्लोज कैंडल पे मैंने ये लगा रखा है। तो जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी फास्ट कर रखी है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो अभी इसका ATR 6 रखा है और मल्टीपल ATR 0.5 रखा है, वो भी क्लोज कैंडल, मतलब क्लोज कैंडल पे है सिग्नल देगा। और अगर हम दूसरे की बात करें जो अदर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट वो कुछ इस तरीके के हैं। तो सब पे मैंने ये वाले लगा रखे हैं, इन पे सिग्नल आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बहुत देर देर में सिग्नल आते हैं। बट जो मैंने फास्ट वाला कर रखा है उस पे सिग्नल आने के बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर रखा है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो जो रियल बाइट, ये एक बार मैं इनकी फ्रिक्वेंसी दिखा देता हूँ जो बाई डिफॉल्ट होते हैं, ये 22 पीरियड में होते हैं और मल्टीपल जो होता है वो 3 होता है। तो ये बाई डिफॉल्ट फ्रिक्वेंसी में 5 स्टॉक पे लगा रखे हैं और आप स्टॉक के नाम यहाँ पर देख सकते हो, एक बाय की कमांड है, एक सेल की कमांड है, बस एक टाटा मोटर के अंदर मैंने उस चीज को अलग कर रखा है। तो फिर से मैं इसे हटा देता हूँ और जो फास्ट वाला है वो लगा देता हूँ। तो मैंने इसे हटाया एक मिनट और ये फास्ट वाला मैंने ऑन कर दिया। तो ये फास्ट वाला ऑन हो गया, टाटा मोटर से ऑन कर देता हूँ। टाटा मोटर पर क्लिक करूंगा तो टाटा मोटर पे वर्क दिखाने लगेगा। तो 6 मैंने 6 स्टॉक लगा रखे हैं और ये देखो एक सिग्नल आ भी गया सेल का बताते बताते, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है पर ये सिग्नल वर्क कब करेगा मैं आपको दिखा दूं। मैंने इसके अंदर क्लोज कैंडल लगा रखा है क्योंकि सिग्नल चेंज हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्लोज कैंडल लगा रखा और 1 मिनट की कैंडल है। जैसे ये क्लोज होगी कैंडल जब जाके ये सिग्नल हमें शो होगा, वैसे अगर मैं क्लोज नहीं लगाता तो अब तक सिग्नल आ जाता और बिट भी लग जाती। तो आप देख सकते हो इधर टाइमिंग 32 सेकंड रह गए हैं, तो अभी कंफर्म नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई। क्लोज होने पे अगर ये सिग्नल बना रहता है, क्योंकि रीपेंट हो जाते हैं कई बार सिग्नल, तो अगर ये सिग्नल बना रहता है तो हमें सिग्नल मिलेगा, अलर्ट्स मिलेगा और हमारा ऑर्डर लग जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओनली फॉर इसी में मैंने क्लोज कैंडल लगा रखा है, अदर स्टॉक में मैंने क्लोज कैंडल का यूज नहीं करा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 सेकंड रह गए, 8 सेकंड रह गए, सिग्नल बना हुआ है, इट्स मीन की पूरे पूरे चांस है, 4 सेकंड रह गए, 3 सेकंड रह गए और ये कंफर्म, अब ये सिग्नल वही आ गया। और अगर हम ऑर्डर जाके देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए एक सेल ऑर्डर लगा दिया 50 क्वांटिटी का। और अच्छा, मैंने एक बात बताना भूल गया, मैंने इसमें जो कमांड डाली वो डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग नहीं डाली, मैंने ये डाल रखा अगर सेल की कमांड आए तो मेरी 2% ऊपर सेल लगे, मतलब अगर 100 रुपये पे मार्केट है तो 102 पे मेरी बिट लगे, और अगर बाय की कमांड आए तो 100 रुपये पे मार्केट है तो मेरी 98 पे बिट लगे, मतलब 2% नीचे लगे। मैं डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं कर रहा, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में मार्केट ऑर्डर कहते हो, मैं लिमिट ऑर्डर में डाल रखे, कोड डाल रखे हैं। तो आपने देखा कि ये कमांड आई और ये क्लोज कैंडल पे थी, तो ये 1 मिनट पूरा होने पे कमांड आई जब कैंडल क्लोज होती है, जब इनने कंफर्म करा कि सिग्नल वो बना हुआ है उसके बाद इनने सिग्नल दिया। अगर किसी और स्टॉक में आ जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा अगले सिग्नल, हम बाय का वेट करते हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर आप इस बॉट को यूज करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है nextlevel.com, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके विजिट करके देख सकते हो कि आप बॉट कैसे यूज कर सकते हो। बॉट का प्राइस 499 रुपीज है और इसके लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ट्रेडिंग व्यू अकाउंट चाहिए होता है, फर्स्ट मंथ आप ट्रायल अकाउंट यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको पैडी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको API चाहिए होती है जरोधा की, आप क्लिक करके यहां से ले सकते हो। और इसके लिए आपको पर मंथ 2000 रुपए पे करने पड़ते हैं API को, जरोधा को, और बॉट चाहिए होता है, बॉट आपको मैंने जैसे बताया 499 में। बॉट कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा बॉट का एक्सटेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ बॉट इस तरीके का। और अगर आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जो मैंने खोल दिया है, और इसके अंदर आपको सारी कमांड मिलेगी, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, MIS ऑर्डर, सारी कमांड, कैंसल ऑर्डर, मल्टीपल कमांड, सारी कमांड आपको मिलेगी जिससे आप बॉट को यूज कर सकते हो। इन फ्यूचर मैं धीरे धीरे करके वीडियो डाल ही रहा हूँ जिससे आपको आगे चल के मैं डेप्थ में बताऊंगा कमांड कैसे लगाते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं बॉट के अकॉर्डिंग, ये धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, पीछे भी मैं कुछ वीडियो में बता चुका हूं। तो अभी थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं, आगे चल के आपको डेली अपडेट मिला करेगा कि कैसे कमांड लगाते हैं और 8 से 10 दिन के अंदर आप परफेक्ट बन जाओगे बॉट ट्रेडिंग करने में।
तो जैसे कि अब मैं सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं, अब हमें बाय के कमांड की जरूरत है, तो बाय के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, बॉट को वीडियो को यहां पर स्टॉप कर देता हूं, जैसे ही बाय का सिग्नल आता है मैं आपको दिखाता हूं। और सेल की बिट जो थी वो हमने कैंसिल नहीं करी, ऐसी की ऐसी लगी रहने देते, बाय की बिट आएगी वो भी मार्केट रेट से 2% नीचे लगेगी। अच्छा, जो ये सुपर ट्रेंड होता है ये काम कैसे करता है थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले बाय सिग्नल देगा, फिर सेल देगा, फिर बाय देगा, फिर सेल देगा। तो अभी ये तो फास्ट फ्रीक्वेंसी वाला आपको दिख रहा है, अगर मैं इसमें रियल फ्रीक्वेंसी लगा दूं तो सिग्नल बनेगा ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत देर पहले करीबन 15-20 मिनट पहले सेल का सिग्नल बना था और बाय का तो अभी तक बना नहीं, तो मैंने इसलिए इसे रियल वाले में नहीं लगा के फास्ट फ्रीक्वेंसी में लगा रखा है। और मैंने ऐसे ही फास्ट फ्रीक्वेंसी अपने अकॉर्डिंग चूज कर ली, आप चाहो तो आप भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वैसे जो बेस्ट रहता है वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, जो मैंने आपको दिखाया था टाइम फ्रेम, एक बार दिखा देता हूं दोबारा से, जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो पीरियड 22:3 रहता है। तो ये चीज आप अपने चार्ट पे कैसे ऐड करोगे, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें डेप्थ में बताया होगा कि आप इस चीज को कैसे यूज करते हैं। अब मैं वीडियो थोड़ा सा स्टॉप करता हूं, बाय सिग्नल का वेट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ बाय का सिग्नल बन गया पर अभी अलर्ट्स नहीं आया और हमारी कमांड काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसमें, मैंने आपको पहले ही बताया, क्लोज कैंडल लगा रखा है और अभी ये कैंडल क्लोज होने में 45 सेकंड रह गए हैं, आप मेरे कर्सर पे देख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमने फास्ट फ्रीक्वेंसी ले रखी है इसमें जो बाय सिग्नल या सेल सिग्नल है ये रीपेंट हो जाते हैं, जैसे अभी विजिबल होगा बाय, थोड़ी देर बाद ये बाय गैप हो जाएगा, तो ऐसे में हमारा बोर्ड बाय कर लेगा और बाद में पता चलेगा वो सिग्नल फॉल हो गया है। तो इसलिए क्लोज कैंडल ले रखिए कि अगर बाय अगर कंटिन्यू रहता है क्लोज कैंडल तक तो जब भी बाय करेगा, या सेल कंटिन्यू रहता है क्लोज कैंडल तक जब भी सेल करेगा। देखो गैप हो गया ना, तो इट्स मीन अभी ये अगर गैप हो गया है और क्लोज कैंडल तक ये वापस नहीं आता तो हमारा बोर्ड सिग्नल देगा ही नहीं, क्योंकि हमने क्लोज कैंडल लगा रखी थी। तो दोबारा से आ गया है, फिर चले गया, तो ये चीज रीपेंट हो रही है और ये हमने फास्ट फ्रीक्वेंसी में कर रखा है इसलिए रीपेंट हो रही है। तो अब ये देखिए लास्ट तक ये बना रहा, तो अब सिग्नल बनता है, एक मिनट, ये लास्ट तक नहीं बना रहा, नहीं नहीं वो लास्ट कैंडल में आप देख सकते हो कि जो बाय सिग्नल था वो नहीं बना रहा और अगली कैंडल में दिखा रहा है बाय सेल विजिबल हो रहा है, तो इसलिए उस कैंडल पे इन्हें बाय का सिग्नल नहीं दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट तक अगर बाय सिग्नल बना रहता है तो जब जाके आपको सिग्नल मिलेगा, तो इसमें चांस है लास्ट तक बना रहेगा। और जैसे सिग्नल मिलता है, मतलब हमारा अलर्ट आता है, तो आपको बाय बिट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि सिग्नल आए, ये हमने बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रीक्वेंसी में कर रखा है, इसी की वजह से ये ज़्यादा रीपेंट हो रहा है, कभी बाय आ रहा है कभी जा रहा है। अगर हम जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर मैंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि बाय आता है और जाता है, मतलब ये रीपेंट वाले जो चीज़ अभी हो रही है ये होती भी नहीं देखी। तो अभी मेरे को जो ऐसा लग रहा है 10 सेकंड रह गए और बाय बना हुआ है, इट्स मीन ये बना ही रहेगा और क्लोज कैंडल तक बना रहा तो सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अब ये सिग्नल जनरेट हो गया क्योंकि ये बना हुआ था, नेक्स्ट कैंडल आ गई। अगर हम देखेंगे वहां पर जाके तो हमारा बाय ऑर्डर भी लग गया, बाय ऑर्डर 50 क्वांटिटी का लगा है जैसे हमने डाला था और मार्केट रेट से 2% नीचे लग गया। अगर आप देखोगे तो 114 पे चल रहा है और 112 पे उन्होंने अपनी बिड लगा दी, 2% नीचे लगा दी। डायरेक्ट बाइंग और डायरेक्ट सेलिंग जैसे मैंने बोला था हम नहीं कर रहे, हम लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो ये दो चीजें तो मैंने आपको दिखा दी कि किस तरीके से काम करती है, और ये अब मैं हाइड कर देता हूं। अगर मैं आपको रियल दिखाऊं जो चल रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूं, तो रियल जो चल रहे थे, एक मिनट इसे हाइड करना पड़ेगा, जो रियल चल रहे थे कुछ इस तरीके से चल रहे थे, जो सिग्नल है वो बहुत लेट लेट आ रहे थे। ये रियल नहीं है, मैं आपको रियल वाला दिखाता हूँ। हाँ, ये मैंने 5 स्टॉक में रियल वाले लगा रखे थे जो इस इनपुट के साथ है, 22:3 के इनपुट के साथ है, तो बहुत देर देर बाद आ रहे हैं सिग्नल और उसमें से अभी तक एक भी सिग्नल नहीं आया। वैसे तो मैंने 5 स्टॉक में रियल ये डाल रखा है बाय सेल की कमांड के साथ, पर एक भी सिग्नल नहीं आया और फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो सारी चीजें मैं आपको डेप्थ में बता चुका हूं, अगर आपको इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है इसके लिए मैं आपको आगे चल के डेप्थ में वीडियो दूंगा, आप उनको देख के इन स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। जो भी मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूं इनकी वीडियो मैं डेप्थ में बाद में बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।